आइए आज आपको मैं ज्वेलरी की असली दुनिया में पीछे की तरफ लेके चलता हूं। पीछे की तरफ मतलब पास्ट टाइम, अंदर क्या होता है। रियल ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, फाइन लग्जरी ज्वेलरी की बात कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने गौर किया है कि सब्यसाची का ज्वेलरी पेज, सब्यसाची ज्वेलरी अब नहीं है, गायब हो चुका है। तरुण दहलियानी का एक हैशटैग बहुत पॉपुलर हो रहा है इन दिनों, दैट इज टीटी एक्सेसरीज। मनीष मल्होत्रा ज्वेलरी में आ चुके हैं, उनका भी एक पेज है मनीष मल्होत्रा ज्वेलरी। आखिर में ये सब ज्वेलरी कहां से आ रही है? आखिर में ये सब तो थे ड्रेस डिजाइनर्स, अचानक से ज्वेलरी में कैसे आ गए? सब्यसाची का ज्वेलरी पेज गायब कैसे हो गया? पीछे की हकीकत क्या है? क्या ये लोग खुद ज्वेलरी डिजाइन करते हैं? त्यानी करण जौहर के खुद ज्वेलरी डिजाइन करते हैं, या किसी और का कलेक्शन आपके सामने पेश कर रहे हैं, या फिर इनके डिजाइनर्स कौन है? ऐसे कौन कौन से एक्चुअल हिडन जेम्स हैं, मतलब कि ज्वेलरी वर्ल्ड में, जिनको आप एक्चुअली में उनका इंस्टाग्राम पेज फॉलो करोगे तो आपका टेस्ट और बेटर होता जाएगा, और आपको समझ आने लगेगा कि आप रियल टेस्ट, रियल ट्रेंडी टेस्ट, ज्वेलरी का टेस्ट कैसे इंप्रूव कर सकते हो ताकि आपकी पर्सनैलिटी बेस्ट रहे। इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैजल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। आइए सबसे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम बताता हूं। इसको अगर फॉलो कर लिया तो आप सारे बड़े बड़े डिजाइनर्स को भूल जाइए ज्वेलरी के मामले में, चाहे वो सब्यसाची हो, मनीष मल्होत्रा हो, जो भी आप नाम जानते हो। इसके अगर पेज को फॉलो कर लिया, इसका टेस्ट देख लिया, और अगर आप इतनी फाइन ज्वेलरी, लग्जरी ज्वेलरी खरीदने जा रहे हो तो इन बड़े नाम की बजाय अगर इनसे खरीद लिया तो इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। आप ज्वेलरी के डिजाइन के रूट में पहुंच जाओगे। ये है रानी वाला, @रानीवाला1881, इस नाम से इनका पेज है इंस्टाग्राम का। इसको आप फॉलो कीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यही सारे बड़े बड़े जो ज्वेलरी डिजाइनर्स आपको पेश करते हैं इंस्टाग्राम पे, जिनके भी नाम हैं, इन्हीं से सारी की सारी पोल की ज्वेलरी जा रही है। मैक्सिमम मैंने गौर किए हैं, सब इन्हीं से जाते हैं। मनीष मल्होत्रा इज सो काइंड कि आप मनीष मल्होत्रा ज्वेलरी के पेज पे अगर देखोगे तो उन्होंने तो अपने बायो में भी @रानीवाला1881 भी लिखा हुआ है, और अपनी वेबसाइट को भी दिखाया हुआ है। दोनों वेबसाइट्स को कंपेयर कीजिए, आपको बहुत सारी डिजाइन बिल्कुल सेम मिल जाएंगी। बिजनेस के अपने अलग अलग वो होते होंगे कि कोई एक पर्टिकुलर डिजाइन जो है सिर्फ मनीष मल्होत्रा बेचे, या फिर दोनों जने बेचे, या जिनको पता है सिर्फ वो बेचे। आई डोंट थिंक कि आप रानी वाला की सारी ज्वेलरी ऑनलाइन देख सकते हो। दे आर जयपुर बेस्ड, 1881 से है। मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि सब्यसाची का ज्वेलरी पेज गायब क्यों हो गया। मुझे नहीं पता क्यों गायब हो गया, बट वन ऑफ द रीजन कैन बी क्योंकि अब सब्यसाची बहुत एग्रेसिवली पिछले एक साल से ज्वेलरी में आते चले जा रहे हैं। अब उनको अपना एक जो टैग है सब्यसाची ज्वेलरी या सब्यसाची हैशटैग करके, वो शायद पॉपुलर करना होगा, नो आइडिया। बट यस, पहले के जो पेज था उसमें बहुत सारी जगह पे आपको @रानीवाला1881 का आपको टैग दिख जाता। ऐसे ही साउथ के कुछ निजामी ज्वेलर बहुत पॉपुलर थे, आप कहेंगे, कमेंट में मुझे बताइए तो मैं उनका नाम भी बता दूंगा। इनका टैग्स दिया होता था उनके इंस्टाग्राम के किसी भी पेज में, जब कोई ब्राइड्स ऑफ सब्यसाची रेडी होते थे या सब्यसाची का कोई पूरा गेटअप लेता था। ऑफ कोर्स दे हैव देयर ओन डिजाइन सेंस सब्यसाची, एंड दे आर बिग नेम्स, एंड दे हैव एक्चुअली मेड सेंस आउट ऑफ इट। बट अगर आपने @रानीवाला1881 जैसे लोगों को फॉलो कर लिया तो ये पोल की ज्वेलरी के बाप हैं। आप इनको फॉलो कीजिए, आपका टेस्ट बहुत इंप्रूव हो जाएगा। इतने सारे ड्रेसेस आप खरीदते हो, सब ट्रेंडी ड्रेसेस पे इनके शूट्स होते हैं, यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो कि आपके ड्रेस के हिसाब से बेस्ट क्या चल रहा है। 2017 में tyani.com आया। इट टुक द इंडियन ज्वेलरी वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, एंड नाउ द वर्ल्ड इज गेटिंग क्रेजी अबाउट इट। नो डाउट tyani.com पे जो ज्वेलरी आप देखते हो, पोल की ज्वेलरी का अमेजिंग कलेक्शन है। 2017 में लॉन्च हुआ, न्यूज़पेपर कटिंग्स में यहाँ नीचे लगाया था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि करण जौहर हैज जॉइंड हैंड्स विद सत्यानी फाइन ज्वेल्स टू लॉन्च हिज ओन ज्वेलरी डिजाइन लेबल त्यानी। करेक्ट। सो सत्यानी फाइन ज्वेल्स, सत्यानी फाइन ज्वेल्स की कोई वेबसाइट नहीं है, सत्यानी फाइन ज्वेल्स के अपने शोरूम्स हैं। ऑफकोर्स हैं, इतने छोटे भी नहीं है कि कहीं पर शोरूम ना खोलें और खाली इंस्टाग्राम पेज बना लें। इनके अपने शोरूम है मुंबई में, जैसे रानी वाला के पूरा दे आर जयपुर राजस्थान बेस्ड, एक्चुअली नॉट ओनली जयपुर राजस्थान बेस्ड है, वैसे ये मुंबई बेस्ड है। इनके आई थिंक बांद्रा में एक आध शोरूम्स होंगे, मैं एक बार सर्च कर लूंगा। बट आप सत्यानी फाइन ज्वेल्स का अगर पेज फॉलो करोगे, एंड आप त्यानी का भी पेज फॉलो करते हो, यू विल सी लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। tyani.com के आप पोलकी के डिजाइन देखिए, सत्यानी फाइन ज्वेल्स की पोलकी के डिजाइन देखिए, यू विल फाइंड लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। आपको अगर परचेज करना है, आप इतना पैसा खर्च करना चाहते हो अपनी ज्वेलरी पे, यू शुड डेफिनेटली वंस कॉन्टैक्ट सत्यानी फाइन ज्वेल्स एज वेल। हो सकता है आपको इससे भी ज्यादा, त्यानी से भी ज्यादा अच्छा कलेक्शन
ज्यादा वाइड कलेक्शन मिल जाए बिकॉज दे आर मैन्युफैक्चरर्स, तो वो सिर्फ त्यानी के लिए नहीं, अपने लिए नहीं और पता नहीं किस किस बड़े डिजाइनर्स के लिए बनाते होंगे। सो अगर पैसा खर्च करना ही है, टेस्ट इंप्रूव करना ही है, तो सत्यानी फाइन ज्वेल्स शुड बी ऑन योर लिस्ट। तो ये था मेरा फाइन एंड क्रिस्प वीडियो अबाउट ज्वेलरी इंडस्ट्री के जेम्स कौन है, जेम्स यानी कि जो पॉपुलर नहीं होते फ्रंट पे, लेकिन एक्चुअली में अगर आप उनका कलेक्शन देख लो तो मजा आ जाएगा, सीरियसली टेस्ट इंप्रूव हो जाएगा और फिर आपका टेस्ट इंप्रूव होगा तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप सुंदर दिखेगी। आपको क्या चीज अच्छी लगी इस वीडियो की मुझे नीचे कमेंट में बताएं, कोई डाउट्स हैं तो भी कमेंट में बताएं। बहुत सारे डाउट्स लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे हैं जिनका मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस बना चुका हूं, तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैंने वीडियो बनाने की मेहनत की है तो आप वीडियो देखने का काम कर लीजिए प्लीज, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। इतने सारे साड़ी मैचिंग पे आते हैं, मैं बना चुका हूं वीडियोस, आप देखिए आपको जरूर आपके आंसर मिल जाएंगे। आपको मुझसे ज्वेलरी परचेस करनी है dazzlesjewelry.in, मुझसे कंसल्टेशन लेना है, मुझसे ज्वेलरी परचेस करने के लिए मैं किसी और की ज्वेलरी के बारे में कंसल्टेशन कैसे दूं, मेरे को उनकी क्वालिटी कैसे पता होगी, लोग मुझे बोलते हैं कि ये ज्वेलरी अच्छी लगेगी, हाउ कैन आई टेल यू द क्वालिटी ऑफ दैट ज्वेलरी, आई कैन टेल यू कि वो अच्छी है या अच्छी नहीं है, बट देन इट विल बिकम ऑकवर्ड यू नो, कि आप खरीद चुके हो, मैं बोलूंगा यार अच्छी नहीं लग रही है, तो यू नो, तो अगर आपको कंसल्टेशन एक्चुअली में चाहिए थोड़ा जल्दी मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, dazzlesjewelry@gmail.com पे आइए, वेबसाइट पे जाइए, चैट बटन दबाइए, डायरेक्टली आप मुझसे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे और अपने क्वेरीज और अपने ज्वेलरी का बजट डिसाइड कैसे करना है, क्या खरीदना है, नहीं खरीदना है, आई विल गाइड यू टू एवरीथिंग। जो लोग नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, देयर आर टन्स ऑफ वीडियो ऑल फोकस्ड ऑन ज्वेलरी ओनली, राइट। सो मिलते हैं अगले हफ्ते विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक ओनली सजेस्टेड बाय माय सब्सक्राइबर्स ओनली। दिस इज सौमित्र साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर एक्सपर्ट फ्रॉम Dazzles Fashion and Costume Jewelry.